आप लोगों ने अपने आसपास ऐसे लौंडे जरूर देखे होंगे जो नेताओं की चापलूसी करते हैं कि आज नेताजी से उनके निवास स्थान पर भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ, आज नेताजी से आगामी चुनाव को लेकर बैठक हुई, तो अब उनमें से कुछ लौंडे इंस्टाग्राम पर आ गए हैं। जी विधायक जी प्रणाम। विधायक जी, इस समय मैं आगरा के एक महल के सामने खड़ा हुआ हूँ, पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ है और विश्वास करिए मैं अभी अंदर से ही आ रहा हूँ, कोई इसके अंदर रहता भी नहीं है। कोई रहता भी हो तो निकलवा देंगे। देख लो भाई, हमारे युवा नेता के दिमाग का लेवल यहीं से पता चल जाता है। गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि आगरा में ताजमहल है, तो अब आप लोग समझ सकते हो जो लौंडे युवा नेता बनते हैं वो आखिर किस कैटेगरी के होते हैं। हमारे यहाँ के कॉलेजों में तीन टाइप के बच्चे पढ़ने जाते हैं, पहले जिन्हें पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करनी होती है, दूसरे वो जिन्हें बस नाम के लिए डिग्री चाहिए होती है, और तीसरे वो जिनके जीवन का कोई मकसद नहीं होता है और वो बन जाते हैं युवा/छात्र नेता। और भाई, सपने भी इन लोगों के कोई छोटे नहीं होते हैं। जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा साइकिल पर चलकर BMW के सपने देखता है, वैसे ही हर युवा नेता का सपना होता है विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का। अच्छा भाई, 96% आ गए, कोटा निकल रहा हूँ, वहाँ से IIT निकल जाऊंगा। हमारे तो आए हैं 69%, हम ना तो कोटा जाएंगे और ना ही IIT, यहीं पर रहकर जनता की सेवा करेंगे, विधायक बनेंगे, उसके बाद सांसद, उसके बाद CM और उसके बाद PM। हाँ, ये कर लो पहले। हाँ ठीक है, फिर तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी फ्यूचर में मिस्टर बीस्ट से ज्यादा सब्सक्राइबर कर लूँ। चुप कर बे कुत्ते। अब यार, ये आंडू पांडू प्रधानमंत्री बनने की सोच सकते हैं, फिर यार मैं तो अपने 300-400 मिलियन सब्सक्राइबर करने की सोच ही सकता हूँ। बात तो सही है। अब ये प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचने का सपना सिर्फ इस लौंडे का नहीं है, हमारे देश में जितने भी युवा नेता पैदा होते हैं सबका सपना होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन ये बेचारे प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाते हैं, हाँ किसी बड़े नेता के लड़चट मंत्री जरूर बन जाते हैं। अच्छा, क्या आपको पता नहीं कि लड़चट मंत्री का पद कैसे मिलता है? ये स्पेशल पद उन लोग को मिलता है जो बड़े बड़े नेताओं की खूब चटाई करते हैं, मतलब एक तरीके से उनके फ्री के गुलाम होते हैं। तो ऐसे लौंडों के लिए मैंने एक नया पद बनाया है जो है लड़चट मंत्री का। तो आप लोग भी अपने आसपास देखना कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो इस पद का प्रबल दावेदार है। आप समझ नहीं रहे मार्ट साहब, आज हम छात्र संघ के अध्यक्ष है। अच्छा, कल को विधायक होंगे, ठीक है, परसों सांसद होंगे, नर्सों CM होंगे, ठीक है, समझ गया। यदि हमें कोई क्षति पहुंचती है तो आप समझ लीजिए कि इस देश को, इस राज्य को कितनी बड़ी हानि पहुंचेगी। चुप कर बे कुत्ते। भाई मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बकैती है ये कॉलेज इलेक्शन की। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कॉलेज में किसी नेता की जरूरत क्या है। बाहर विदेशों में कॉलेज होते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कॉलेज होते हैं नेतागिरी करने के लिए। कॉलेज के लौंडे अपनी जितनी एनर्जी एक छात्र नेता के लिए नारे लगाने में लगाते हैं, अगर उससे थोड़ी सी एनर्जी भी अपने किसी काम में लगा लें तो भाई कम से कम 4 पैसे तो कमा लेंगे। गन अलाउड नहीं है, वो बोर्ड देखिए। आखिरकार ये कैसा बोर्ड है भाई, धंधा तुम्हारा लेकिन प्रदेश हमारा, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी हमारी होगी। उत्तर प्रदेश का लौंडा सांस लेना भूल सकता है लेकिन असलाह कैरी करना नहीं भूल सकता। अरे यार, ये आखिर उत्तर प्रदेश में कौन से लौंडे हैं जो दिन दहाड़े मार्केट में कट्टा लेके घूम रहे हैं? मुझे क्या पता, बेचारे सीधे साधे यूपी के लोगों को खाली फालतू में बदनाम करने में लगा हुआ है ये बंदा। CM आवास में कॉल लगवाइए और ये जो विदेशी दुकानें हैं इनको बम्बई, बंगलोर, दिल्ली ट्रांसफर करवाइए। हाँ, CM योगी जी तो इनके फोन का इंतजार कर रहे होंगे ना कि कब हमारे लड़चट मंत्री मिश्रा जी हमें कॉल करें और कब हम प्रदेश में कार्यवाही करें। गाड़ी साइड में लगाओ और कागज दिखाओ। देखिए सर, आपका परिवार आपसे बहुत दूर है और आपके 2 बच्चे भी होंगे, नहीं तो होने वाले होंगे, इस नौकरी की आपको बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा काम मत करिए कि विलुप्त हो जाइए और बाद में लोग आपको इंटरनेट पे ढूंढें। भाई ये चल क्या रहा है, एक लड़चट मंत्री देश के पुलिस वाले को खुलेआम मारने की धमकी दे रहा है। योगी जी के राज में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी जी का सपना है माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ तो लड़चट मंत्री मिश्रा जी के द्वारा लोगों को सीख दी जा रही है कि भाई इन पुलिस वालों की कोई औकात थोड़ी है। लेकिन भाई रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस के सामने की इनकी बदमाशी सिर्फ सोशल मीडिया तक की है, क्योंकि अगर असलियत में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने ऐसी दादागिरी दिखाने की सोची तो कुछ पता नहीं है कब इनकी गाड़ी भी विकास दुबे की तरह पलटी हुई मिले। ये बड़ी अच्छी बात है। भैया जी, ये रेल का इंजन कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे असल में बम्बई से आ रहे थे, रास्ते में TC मिल गया, अब हमारे पास टिकट था नहीं तो ट्रेन से उतारने लगा, हम पूरी ट्रेन ही खरीद ली। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे भैया, इतने बड़े अमीर के 14 हो तो ट्रेन में बिना टिकट के ट्रेवल क्यों कर रहे थे? साला इस बंदे के द्वारा इतना झूठ बोला जा रहा है, इसके सामने तो मुझे शराबी की बातें सच्ची लगने लगी है। अब तुम्हें दहेज में ट्रेन मिल रही थी? हाँ, बात हकीकत है। हकीकत है। फिर क्या हुआ? सवाल आया, मैंने चलानी नहीं आई मुझ पर, फिर ये सोच करी मैंने चल मैं इस पे चलाने आती, छोटी मोटी गाड़ी देता चलाता। अच्छा, सोलर पैनल छत पे लगा लोगे भूल जाओगे, हमें भौकाल चाहिए। ये जो जनरेटर है हमारे द्वार की शोभा बढ़ाए और भगवान के आशीर्वाद से पैसा तो इतना है कि हम इसको फूकना चाहते हैं। ये अनोखा आदमी देखा मैंने, लोग अपना कोठी बंगला थार फॉर्च्यूनर दिखाकर अपनी अमीरी दिखाते हैं, लेकिन हमारे भाई साहब अपना जनरेटर दिखा के अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। खैर, इन भाई साहब की लंबी लंबी फेंकी हुई अब मैं ज्यादा नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ हमारे अगले युवा नेता से। जरूरत नहीं ना, चाहे SDM के लौंडा हो चाहे विधायक के, पढ़ाई लिखाई अपन चलत रहे, अगली साल तुमको लड़ना है कॉलेज का इलेक्शन और बनना है युवा नेता। अरे भाई साहब, खुद तो नेताजी की लड़चट मंत्री बन के रह गए, अब क्या अपने लौंडे की भी जिंदगी बर्बाद करोगे? हमारे यूपी बिहार में माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा सरकारी ऑफिसर बने, देश के लिए कुछ अच्छा काम करे। अब यार, आप में से भी बहुत लोग यूपी से होंगे तो आप लोग खुद बताओ कि आपके पिताजी आपको ये बोलते हैं, बेटा स्कूल पढ़ाई लिखाई करने मत जाओ, लड़ाई करने जाओ। बड्डे हाथ 2 किलो मुर्गा और 4 खंभा दारू निकलवाओ, मोहल्ला के लौंडे रात भर ऐयाशी करिए,
है? अरे भाई ये 2 किलो मुर्गे में आखिर लौंडो की कौन सी अय्याशी हो जाएगी? माशाल्लाह जैसी आपकी सेहत है 1.5 किलो मुर्गा तो आप खुद खेच जाओगे, बचे हुए 1/2 किलो में लौंडे आखिर कौन सी अय्याशी कर लेंगे? मुझे क्या पता। भैया जी इतना पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। भैया जी अपने सड़े हुए दांतों में तो पैसा लगा नहीं पाए तो शेयर मार्केट में क्या लगाएंगे? वैसे आपको पता है ये लोग ऐसी भौकाल वाली वीडियोस आकर बनाते किसके लिए हैं? कौन है इनकी टारगेट ऑडियंस? वो 12 से 17 साल के लौंडे जिनकी जेब में 10 रुपए नहीं होते हैं, जिनकी कच्चे में 12 छेद होते हैं, लेकिन बनना उनको पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का डॉन होता है। तो भैया मैं आपको बता दूं ये भौकाल से कुछ नहीं होता है, मेहनत करो पढ़ाई में, जिससे आगे चल के यूपी से और भी अमिताभ बच्चन और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग निकले, ना कि विकास दुबे और अतीक अहमद जैसे। बस यार इस वीडियो में इतना ही, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर जाना। और हां एक और इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, आप जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जहां पर आपको सारा सामान 80-90% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके।